1,68,736 छात्र छात्राओं को पूर्व झाना सक्षम आजीविका मंडल के माध्यम से पोशाक स्वेटर जूता मोजा भी उपलब्ध कराया गया है। राज्य स्तर पर जिले के दो विद्यालयों जवाहर नवोदय विद्यालय ललमटिया और मध्य विद्यालय खरखोदिया ठाकुरगंज को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार और 38 विद्यालयों को प्रमाणीकरण ज्ञान सेतु का प्रमाण पत्र मेडल दिया गया। मनरेगा योजना, मनरेगा के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 99,954 परिवारों को उपलब्ध कराए गए रोजगार के अंतर्गत 45,00,000 मानव दिवस सृजित किए गए। इस वित्तीय वर्ष में जल संचयन हेतु डोभा तालाब सिंचाई ग्रुप की लगभग 17,502 योजनाएं पूरी की गई। गांव के किसानों पशुपालकों के लिए इस योजना के अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट फिट नागेट टैंक का निर्माण पशु सेट पक्का फर्श और नाद निर्माण की बहुतायत योजना बनवाई गई। वर्षा जल संरक्षण के हेतु सिंचाई को तालाब इत्यादि योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। सरकार की महत्वपूर्ण दीदी बाड़ी योजना के अंतर्गत 5,500 ग्रामीण महिलाओं को पोषण वाटिका का निर्माण कराया जा रहा है और इस वर्ष में जल संचयन हेतु डोभा तालाब सिंचाई को इत्यादि की लगभग 1,650 योजनाओं को पूरा किया गया है। जिले में इस वित्तीय वर्ष की कुल 9,833 आवास के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्ण कराते हुए अब तक टोटल करीब 37,000 आवासों का प्रवेश कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए भी 13,533 इकाइयों की स्वीकृति देते हुए क्रियान्वयन कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य कुल 3,406 के विरुद्ध 1,540 आवास निर्माण पूरा कर लिया गया है और शेष आवास का कार्य प्रगति पर है। नगर परिषद के अन्य कार्यों में प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अंतर्गत नगर परिषद के करीब 64 श्रमिकों को लेबर कार्ड निर्गत किया गया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 154 फुटपाथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृत करते हुए 93 लोगों को लोन डिस्बर्स किया गया है। फुटकर विक्रेताओं को कैशलेस का बढ़ावा देते हुए मैं भी डिजिटल अभियान के अंतर्गत फुटकर विक्रेताओं को ऑनलाइन लेन देन करते हुए कैशबैक का लाभ देने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। कल्याण विभाग की ओर से चलाए जा रहे अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1 से 10 कक्षा तक कुल 13,97,00,000 रुपए का आवंटन हुआ है, जिसके विरुद्ध सभी प्रखंडों से लगभग 1,30,922 छात्र छात्राओं को सूची छात्रवृत्ति भुगतान हेतु प्राप्त हुआ है, जिसको SMS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रवेश उत्तर छात्रवृत्ति मद में भी अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिए कुल 8,85,00,000 रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें छात्रवृत्ति छात्र छात्राओं को ऑनलाइन दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के अष्टम वर्ग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल के लिए 3,500 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुल 49,00,000 रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध 45,00,000 रुपए व्यय कर 75 अनुसूचित जाति और जनजाति के पीड़ितों को राहत की अनुदान राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिए चिकित्सा अनुदान मद में करीब 56,00,000 रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से लगभग 20,00,000 रुपए व्यय करके करीब 600 लोगों चिकित्सा अनुदान का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी संस्कृति कला केंद्र का निर्माण, जाहिरबंदी घेराबंदी का निर्माण और कब्रिस्तान का घेराबंदी कियोस्क निर्माण आदि कराया जा रहा है। आदि जनजाति के लिए 320 बिरसा आवास निर्माण कार्य नामकों द्वारा कराया जा रहा है। शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत ग्राम सरडिया में आवास निर्माण कार्य, थोड़ा द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का, जहाँ दीवारी शौचालय किचन से इत्यादि का निर्माण कराया जा रहा है। जिला में कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 7 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को पठन पाठन एवं अन्य सभी आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही सुंदर पहाड़ी प्रखंड स्थित ग्राम ससरिया में अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिए एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें 6 से 11 तक की छात्र छात्राओं की पढ़ाई होती है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों जैसे हल्दी, अरहर दाल, मूढ़ी, घी, मशरूम, सिल्क साड़ी, बंसी साड़ी इत्यादि को पलाश उत्पाद ब्रांड सब्सिडी केंद्र के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।
खुलो जानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत।